बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। के पी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड के एक्स इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन। एक्स इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। Since Kx is equal to mole fraction of product C raised to C and mole fraction of product D raised to D divided by mole fraction of reactant A raised to A or mole fraction of reactant B raised to B, mole fraction of product divided by mole fraction of reactant is Kx, and Kp is equal to partial pressure of product C raised to C and partial pressure of product D raised to D, partial pressure of reactant A raised to A and partial pressure of reactant B raised to B. Kp is the partial pressure of product divided by the partial pressure of reactants. For value of partial pressure according to Dalton's law of partial pressure, Pa is equal to xA multiplied by Pt. हम डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इन इक्वेशन नंबर टू। आपने इस टू इक्वेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू एक्स सी पी टी। आपके पास पी सी की जो वैल्यू है, ये आपके पास पी सी आपके पास है एक्स सी पी टी, तो ये आ गया एक्स सी मल्टीप्लाइड बाई पी टी। इसकी पावर सी है तो इस सारे की पावर सी आ जाएगी। इसी तरह फिर आपके पास पी डी जो है इज इक्वल टू एक्स डी पी टी, तो ये आ जाएगा एक्स डी और पी टी, इस सारे की पावर डी है तो इसकी भी पावर डी आ जाएगी। इसी तरह पी ए की वैल्यू आपके पास है एक्स ए पी टी, तो ये आ गया एक्स ए और मल्टीप्लाइड बाई पी टी, इसकी पावर ए है तो इसलिए इसकी पावर भी ए आ जाएगी, इस सारे की पावर ए आ गई। इसी तरह पी बी आपके पास है एक्स बी पी टी, तो आपने ये एक्स बी पी टी पुट कर दिया यहाँ पे, तो इसकी पावर चूंकि बी है तो इसकी पावर भी बी आ जाएगी। तो आपने पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में इक्वेशन ए बी सी और डी से पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको आप पावर्स को अप्लाई करेंगे तो के पी इज इक्वल टू एक्स सी रेज टू सी एक्स डी रेज टू डी, इसकी पावर डी है, डिवाइडेड बाई एक्स ए रेज टू ए एक्स बी रेज टू बी। इसको एक्स के लिए हल कर लिया। अब आपके पास पी टी बच जाएगा, तो पी टी इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन है तो इसमें कॉमन लेंगे तो पी टी पावर जमा हो जाएंगी, सी प्लस डी आ गया। इसी तरह डिवाइडेड बाई पी टी, इसकी पावर ए है और इसकी पावर बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ऊपर ले जाएं ये माइनस हो जाएगा, फिर पी टी को कॉमन ले लें तो के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। चूंकि ये प्रोडक्ट के मोल्स हैं और ये रिएक्टेंट के मोल हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मोल निकालेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ मोल्स डेल्टा एन आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी रेज टू डेल्टा एन। वेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल, अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो डेल्टा एन डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंस है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। तो के पी फिर आपके पास आ जाएगा के एक्स के इक्वल, क्योंकि पी टी की वैल्यू जब आपके पास जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो वन के इक्वल आ जाता है। तो ये वन के इक्वल आ जाएगा जब इसकी वैल्यू इसकी पावर जीरो हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स। रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन, अब हमने ये निकालना है तो के एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू सी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी रेज टू डी, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू ए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू बी। के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी रेज टू डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट रेज टू बी। प्रोडक्ट के मोल ऊपर रखने हैं, रिएक्टेंट के मोल पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास के एन आ जाएगा। के पी निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखें, रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर पे डिवाइड कर दें। फॉर वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी मल्टीप्लाइड बाई पी टी। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, उसके मोल्स को टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दें और पी टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो पी इसी तरह सिमिलरली पी बी आपके पास एन बी ओवर एन टी मल्टीप्लाइड बाई पी टी, पी सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन टी मल्टीप्लाइड बाई पी टी,
PD, partial pressure of gas product D or gas D, is equal to number of moles of gas D divided by total number of moles NT multiplied by total pressure. तो A, B, C, D, इन equation से आपने PC, PD, PA और PB की value equation number 2 में put कर देनी है. This is the equation number 2. अब आपके पास आ जाएगा पुट वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर इन इक्वेशन टू. तो के पी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन टी, पी टी सारे की पावर सी आ गई क्योंकि इसकी पावर सी है. इसी तरह एन डी ओवर एन टी पी टी सारे की पावर डी आ जाएगी क्योंकि इसकी पावर डी है. तो ये आपने फिर इसी तरह इक्वेशन ए से आपने एन ए ओवर एन टी पी टी, ये पी ए की वैल्यू है, इसकी चूंकि पावर यहाँ पे ए है तो इस सारे की पावर ए आ जाएगी. एन बी ओवर एन टी, ये एन बी ओवर एन टी, ये इक्वेशन बी से आपने पी बी की वैल्यू ली तो मल्टीप्लाइड बाय पी टी, इसकी पावर बी है तो इसकी भी पावर बी आ जाएगी. अब इसे एन ए ओवर एन टी से एन ए के लिए खोल लें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो आपके पास क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू एन सी रेज टू सी, एन डी रेज टू डी, एन ए रेज टू ए और एन बी रेज टू बी. तो ये के एन के इक्वल है. इसी तरह ये पी टी कॉमन ले लें, पी टी ओवर एन टी कॉमन ले लें, पी टी ओवर एन टी ये हो जाएगी इसकी पावर सी है, इसकी डी है, पावर जमा हो जाएगी सी प्लस डी. सिमिलरली पी टी ओवर एन टी तो ए प्लस बी. तो आपके पास ये के एन के इक्वल है, ये इक्वेशन वन में आप पढ़ चुके हैं. तो के पी इज इक्वल टू के एन पी टी ओवर एन टी रेज टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. अब ये जो सी प्लस डी है माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी प्रोडक्ट के मोल हैं, ए प्लस बी जो है रिएक्टेंट के मोल हैं. प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल निकाल दें तो ये डेल्टा एन आ जाता है. तो के पी इज इक्वल टू के एन पी टी ओवर एन टी रेज टू डेल्टा एन एज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा एन. वेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल तो डेल्टा एन आपके पास जीरो हो जाएगा. तो के पी इज इक्वल टू के सी, जब इसकी पावर जीरो हो जाएगी तो ये वन के इक्वल आ जाएगा. तो के पी इज इक्वल टू के सी. इस सारे रिलेशन को हम डिफाइन करें. पहले हमने पढ़ा कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, फिर हमने पढ़ा के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टी डेल्टा एन, फिर हमने पढ़ा के पी इज इक्वल टू के एन पी टी ओवर एन टी डेल्टा एन. तो इसका मतलब सारे के पी के इक्वल हैं. तो के पी आ जाएगा के सी आर टी डेल्टा एन इज इक्वल टू के एक्स पी टी डेल्टा एन इज इक्वल टू के एन पी टी ओवर एन टी डेल्टा एन रेज टू डेल्टा एन. वेन डेल्टा एन इज जीरो, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल हैं, डेल्टा एन जीरो हो जाएगा. तो के पी इज इक्वल टू के सी, इसकी भी पावर वन आ गई, जीरो आ जाएगी, इसकी भी पावर जीरो, इसकी भी पावर जीरो. जब वेरिएबल की पावर जीरो हो जाती है तो वो वन के इक्वल आ जाता है. तो के पी इज इक्वल टू के सी, के सी इज इक्वल टू के एक्स और दिस इज इक्वल टू के एन. तो ये हमारे पास है मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद.